जो पत्रकार नकल माफियाओं के इस काले करतूत का उजागर करता है उस पत्रकार को ही जेल में ठूस देती है योगी सरकार की पुलिस। पेपर लीक करने वाले पेपर घोटालों का बुलडोजर बाबा ने कितने लोगों का घर गिराया सवाल है। साथियों, आज जिन विषयों पर आप सबसे चर्चा करने के लिए हाजिर हूं उन विषयों पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन सब विषयों पर सबसे पहले बहुत दिनों बाद फेसबुक लाइव पर आप सबके बीच चर्चा पर हूं। आप सब साथियों को बहुत बहुत आभार जो आज मेरे साथ आप फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर हाजिर हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम आप आवाज उठाना छोड़ देंगे तो तानाशाह की सरकार है, तानाशाहों की सरकार है। यह तानाशाह सरकार सच में अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। चुप रहोगे साथियों तो ये जो लोग हैं ये आरएसएस के लोग हैं, घाटों पर जाकर ये कफन बेच देंगे। साथियों, जो आज वर्तमान समय में देश की हालात हुई है, जो नंगा नाच चल रहा है वो आप सबसे छिपा नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। जरा सोचिए, आज जिन विषय पर चर्चा करनी है वह योगी महाराज के उन कार्यकालों पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहला जो एजेंडा है, जो सबसे पहला मुद्दा है, वह उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनते ही 12वीं का पर्चा लीक, 12वीं का अंग्रेजी का पर्चा लीक हो गया। बीते बुधवार को आप सभी लोग जानते हैं, बीते बुधवार को यूपी बोर्ड के 12वीं का जो इंग्लिश का पर्चा है वह लीक हो गया। मेरे जानकारी में तकरीबन 30 साल तक के बीच में ऐसा कभी नहीं हुआ, 30 से 35 सालों में यूपी बोर्ड का पर्चा कभी लीक नहीं हुआ। यूं तो कहें पर्चा लीक के मामले में यूपी सरकार को महारत हासिल है, योगी सरकार को महारत हासिल है, लेकिन हद तो तब हो गई। तमाम पर्चा लीक होते तो हमने सुना, लेकिन अब 12वीं का यूपी बोर्ड का अंग्रेजी का पर्चा लीक हो जाए, इतना दुर्दिन मैंने उत्तर प्रदेश का कभी नहीं देखा था। मुझे लगता है ये बात आपको भी दर्द चुभ रही होगी, ये बात आप सबको समझना होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जो नंगा नाच है, इस बात को लेकर हमें आपको सबको समझना होगा। और आने वाले समय में आपको अपने नौनिहालों की चिंता करना होगा, आखिर क्या हस्त्र बना दिया है योगी ने और भाजपा के भोगियों ने उत्तर प्रदेश का। मैं फिर से एक बार बात दोहराता हूं, पिछले 30 से 35 सालों में मेरी जानकारी में यूपी बोर्ड का पर्चा लीक नहीं हुआ, लेकिन योगी सरकार के कार्यकाल 2 में एक तरफ मंत्रालय की गठन हो रही है, मंत्रालय के पद बांट दिए गए, और मंत्रालय का पद बांटते ही यूपी बोर्ड के 12वीं का इंग्लिश का पेपर लीक हो जाता है। यह उत्तर प्रदेश के लिए शर्मसार कर देने वाला सबसे शर्मनाक घटना है। आए मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों, जागते रहो, आपको जागना होगा, आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना होगा। एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता के दहलीज पर बेऔलाद लोगों की सत्ता पर बेऔलाद लोगों का कब्जा हो गया है। हां, मैं बड़े रूखे स्वर में बोल रहा हूं, हां मैं बड़े कड़े शब्दों में बोल रहा हूं, लेकिन जो बोल रहा हूं वह कड़वा सच बोल रहा हूं। हां, मैं यह बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल 2 में
योगी सरकार टू में घोटाला होता है। तो पहला जो लीक है वो यूपी बोर्ड के 12वीं का इंग्लिश का पेपर लीक मामला है। असल में यह मामला बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश में यह मामला छोटा नहीं है, यह मामला बहुत बड़ा है। असल में यह मामला नकल माफियाओं का है। असल में यह मामला जुड़ा हुआ होगा भाजपा के लोगों से, जुड़ा हुआ होगा, इसीलिए तो जो पत्रकार नकल माफियाओं के इस काले करतूत का उजागर करता है उस पत्रकार को ही जेल में ठूस देती है योगी सरकार की पुलिस। सवाल तो करना होगा और हमें आपको जागना भी होगा और हमें आपको ये बात भी कहना होगा कि आखिर यह मामला क्या है, आखिर यह मामला क्या है। यूपी पेपर लीक के बाद का जो मामला है वह मामला बहुत बड़ा है, फिर से मैं कह रहा हूं। आज मैं यूपी सरकार पार्ट वन से लेके पार्ट टू तक, योगी सरकार के पार्ट वन से लेके पार्ट टू तक के पेपर लीक के दर्जनों मामला मैं आप सबके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहले इन 5 सालों के कार्यकाल के दौरान, योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान दर्जनों पेपर लीक का जो मामला है वह सबसे पहला हुआ। जैसे आज योगी सरकार पार्ट टू में एक तरफ शपथ ग्रहण हो रहा है, पदों का बंटवारा हो रहा है, दूसरी तरफ नकल माफियाओं का घोटाला हो रहा है। उसी तरह कार्यकाल वन में 2017 में दरोगा भर्ती, मार्च 2017 में योगी सरकार आई और पहला प्रश्न पत्र 4 महीने बाद ही परीक्षा में लीक हो गया। मार्च 2017 में योगी सरकार आई और पहला प्रश्न पत्र ही 4 महीने बाद ही लीक हो गया। जुलाई 2017 में दरोगा भर्ती 25 और 26 जुलाई को 2017 में ऑनलाइन दरोगा भर्ती परीक्षा थी और सरकार बनते ही जुलाई में दरोगा की परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। यह योगी सरकार के पर्चा लीक का पहला मामला था। जो व्हाट्सएप पे पर्चा व्हाट्सएप चल रहा था, 1,20,000 आवेदकों ने परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया था लेकिन परीक्षा लीक हो गई। फरवरी 2018 में यूपी पीसीएल का परीक्षा लीक हो गया, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जुलाई 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का परीक्षा पेपर लीक हो गया जिसमें 67,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। 2 सितंबर 2018 को नलकूप चालक परीक्षा का पेपर लीक हो गया। अगस्त 2021 में पीईटी का परीक्षा पेपर योगी के कार्यकाल वन में लीक हो गया। 6 अगस्त 2021 को बीएड का परीक्षा पेपर लीक हो गया। अगस्त 2018 में स्वास्थ्य विभाग के प्रोन्नति का पेपर लीक हो गया। जुलाई 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में परीक्षा पेपर लीक हो गया। अक्टूबर 2021 में सहायता शिक्षक प्रधानाचार्य का पेपर लीक हो गया। एनडीए का पेपर लीक हो गया। एसएससी का पेपर लीक हो गया 2021 में। ये सब यूपी सरकार के, योगी सरकार के कार्यकाल वन में ये सब पेपर लीक हो गया। और अब कार्यकाल टू में, योगी सरकार के कार्यकाल टू में इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड का 12वीं का इंग्लिश का पेपर लीक हो गया। ये सब योगी सरकार में हो रहा है।
हाँ वही योगी सरकार जो बुलडोजर सरकार के नाम से जाना जाता है। हाँ वही योगी सरकार जो दलितों पिछड़ों और मुसलमानों की गिन गिन करके घर गिराने के लिए बुलडोजर चलाने के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इन 5 सालों में जितनी पेपर लीक का मामला हमने आप सबको बताया है, उसमें पेपर लीक के मामले में कितने लीकेज वालों के ऊपर बाबा ने कार्रवाई किया, सवाल है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेपर लीक करने वाले पेपर घोटालों का बुलडोजर बाबा ने कितने लोगों का घर गिराया, सवाल है। सवाल है भाजपा के दबंगों से, सवाल है योगी सरकार से कि अभी हाल ही में जो परसों बुधवार को इंग्लिश का पेपर लीक हुआ है, इस मामले में बलिया में एक अमर उजाला के पत्रकार ने योगी सरकार की पोल क्या खोल दी, योगी सरकार के प्रशासन ने उन्हें जेल भेज दिया। अभी दिखा रहा हूं यह मामला आप सबको, इसलिए आपसे कह रहा हूं आप वीडियो चाप के शेयर करिए, चाप के यह वीडियो शेयर करिए साहब, देखिए यह वीडियो देखिए कहते देखिए किस तरीके से योगी सरकार के दबंग प्रशासन के लोगों ने पत्रकार को पर्चा पेपर लीक का पोल खोलने पर जेल भेज दिया। देखिए यह वीडियो ये योगी सरकार के प्रशासन के लोगों ने किस तरीके से पत्रकार को खबर दिखाने पर जेल भेज दिया। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं लोकतंत्र की गला घोटने का काम ये योगी सरकार के लोग कर रहे हैं। जो दूसरा सवाल है, आज मोदी जी का परीक्षा ज्ञान, मोदी जी आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हजारों युवाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है मोदी जी। मोदी जी युवा आपसे पहले अपने आप को तैयार करके लड़ रहा है। मोदी जी ने आगे और क्या कहा, मोदी जी ने कहा कि युवाओं को परीक्षा त्योहार के तरीके मनाना चाहिए। मोदी जी ने कहा त्योहार के दौरान परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी ने आपने ये नहीं कहा कि युवा बेरोजगारी के तंग आकर फांसी लगा ले रहा है। मोदी जी आपको मालूम होना चाहिए, योगी जी आपको मालूम होना चाहिए, आप सबको यह मालूम होना चाहिए कि इलाहाबाद में बीते 1 महीने के अंदर तकरीबन 1/2 दर्जन युवाओं ने फांसी लगा लिया। बेरोजगारी से तंग आकर युवाओं ने सुसाइड कर लिया। मोदी जी पूरे देश में युवा बेरोजगार होकर आत्महत्या को मजबूर है। आपने रोजगार कब देंगे, इस पर तो सवाल आपने नहीं किया। मोदी जी आप ये बताइए कि युवाओं को रोजगार कब दोगे, युवाओं को नौकरी कब दोगे। युवा तो परीक्षा अपने से पास कर लेगा, मोदी जी इतना युवाओं के पास ज्ञान है, युवाओं को परीक्षा के दौरान त्योहार की तरह मनाना चाहिए, ये बात युवा जानते हैं। परीक्षा पास करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो मोदी जी कौन देगा, युवाओं को सुसाइड करने से कौन रोकेगा, यह सवाल है मोदी जी आपसे। इसलिए मोदी जी अपना ज्ञान अपने पास रखिए, युवाओं को नौकरी दीजिए, आज यह सवाल है।
सवाल है आपके उत्तर प्रदेश में, जहां बड़े धूमधाम से आपने जीत हासिल करके फर्जी तरीके से जीत हासिल किया, सरकार बनाया। सरकार बनाते ही 12वीं का परीक्षा लीक हो गया। आप इन परीक्षा लीक करने वाले नकल माफियाओं के घर बुलडोजर कब चलाएंगे, यह सवाल है मोदी जी। अगला सवाल है, पूरे देश में टोल टैक्स आज से 10 से लेकर 18% वृद्धि हो गई। 10 रुपया से लेकर लगभग 80 रुपया तक टोल टैक्स पर वृद्धि हो गई। आज 10 से लेकर 18% टोल टैक्स महंगा कर दिया गया। तो मोदी जी कब तक लूटते रहोगे देश को? 10 दिन के अंदर लगभग 7 रुपया डीजल और पेट्रोल महंगा कर दिया आपने। सवाल तो आपसे होगी मोदी जी, 40 रुपया, 40 पैसा, 50 पैसा, 80 पैसा करके 10 दिन में लगभग 7 रुपए के आसपास पेट्रोल महंगा कर दिया आपने। एलपीजी 250 रुपया एलपीजी को आपने एक दिन में महंगा कर दिया, और लगभग 5 महीने के अंदर 720 रुपया कमर्शियल एलपीजी का दाम आपने बढ़ा दिया मोदी जी। कमर तोड़ महंगाई है, अब फिर भी लोग कहते मोदी मेरा भाई है। कमर तोड़ महंगाई है, फिर भी भाजपाई बन गए खाजपाई है। कमर तोड़ महंगाई है, फिर भी अभी लोगों को समझ में नहीं आई है। इसलिए ऐ पिछड़े समाज के लोगों, मैं आप सबसे अपील करता हूं, उत्तर प्रदेश कैबिनेट को देख लेना। अगड़ों को दिया मलाई और पिछड़ों को घास भूसा हिस्से में आई, कैबिनेट का स्तर देख लेना तुम लोग। इसलिए आज के लाइव सेशन में आप सबसे अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा फेसबुक लाइव को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। रात 8 बजे फेसबुक लाइव पर हम होंगे हाजिर और आप सबसे करेंगे चर्चा। बुलेटिन 8 PM पर कल आप सबसे रूबरू रहूंगा। आप सबने हमें सुना, मैं आप सबका आभारी हूं। जय सरदार, सरदार सेना जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।